हे गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट सरकारी नौकरी चैनल। मैं हूं अर्शद अली। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जो इस महीने 17 अक्टूबर को होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अब मुकम्मल हो चुकी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अब इसका रिविजन ही कर रहे होंगे, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए आपको पर्याप्त से भी ज़्यादा वक्त मिला है। तो अब मैं आपको ये समझ सकता हूँ कि प्रबल दावेदारी है आपकी इस परीक्षा में एक सीट पाने के लिए। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे इस 150 अंक के पेपर में, इसमें आपके दो सेक्शन डिवाइडेड हैं। एक तो 50 अंक का जीएस का है, दूसरा आपका 100 अंक का मुख्य विषय का है। आप इसे किसी के पास एसएसटी सामाजिक विज्ञान होगे, या फिर किसी के पास मैथ्स एंड साइंस होगा, किसी के पास लैंग्वेज का पेपर होगा। तो आपने अपने जो मेन विषय है या मुख्य विषय है, इनकी तैयारी बहुत अच्छे से की होगी। इसके अलावा अपनी प्रैक्टिस भी आप मल्टीपल सोर्सेज से कर ही रहे होंगे, रिविजन भी आपके आई थिंक हो गए होंगे। लेकिन अभी हम जो आपको यहाँ पर इन 14 डेज में, बाकी इन 14 दिन में क्या क्या कवर कराने वाले हैं, ताकि आपको कुछ और अंक बूस्ट किए जा सकें आपकी परीक्षा के लिए, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस परीक्षा में हम बात करेंगे सबसे पहले जो जीएस वाला है। देखो, मुख्य विषय की तैयारी आप सभी लोग अच्छे से कर रहे होंगे। एसएसटी में जो 4 विषय हैं 100 नंबर के, वही हेल्प करेंगे आपको जीएस में भी, 50 अंक में भी। जिनके पास साइंस है, साइंस वाले कुछ टॉपिक्स आपके हेल्प कर जाएंगे आपके 50 अंक के जीएस में भी। लेकिन यहाँ मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो 50 अंक के पेपर की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग 50 अंक की जो सिलेबस है या जो विषय हैं जिनको तैयार करना है, उनको बहुत सारे स्टूडेंट स्किप करेंगे डेफिनेटली। लेकिन इनको समझ लेते हैं, यहाँ पर स्किप करने की आपको जरा भी जरूरत नहीं है। और अभी इन 14 डेज में भी इन 50 मार्क्स को बहुत अच्छे से अचीव किया जा सकता है। बाकी मुख्य विषय की तैयारी आप अपने पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में आप तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे आज हमारी लाइव सेशन होने वाला था 9 बजे, लेकिन जो टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं इंटरनेट के, उनकी वजह से वो स्मूथ नहीं मिल पाती है आपको वो वीडियो। इसलिए अब यहाँ पर बाई फेस या फेस वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस इतना है कि आपके लाइव कमेंट्स होते उस वक्त, वो अब नहीं ले पाएंगे इस वक्त हम। फिलहाल आप इस वीडियो से ही हम जो है अपना डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो अभी जो 50 मार्क्स के लिए मैं बात कर रहा था आपसे, 50 मार्क्स के लिए हम क्या क्या अभी इन 14 डेज में आपको कराने वाले हैं। देखिए, इसमें से जो कुछ विषय हैं जो हमें समझने होंगे, एक तो है आपका करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो डिमांड करता है जीएस, वो करंट अफेयर्स के ही करता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपसे इस पूरे सेक्शन में ज्यादा पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में आपको जो पढ़ना है, इसको भी समझ लेते हैं। अगर अभी हम देखें पिछले एक वर्ष का करंट अफेयर्स अब हमें तैयार करना होगा, क्योंकि ये अब मालूम नहीं है किसी को भी कि पेपर नया ही बना है या पुराना वाला ही आएगा। तो थोड़ा सा चांस अब यहाँ लेंगे, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो पिछले साल का सितंबर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सितंबर 2020 से लेकर के इस वाले सितंबर तक का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगस्त 2021 तक का पढ़ सकते हैं। इसमें भी अभी हम आपको एक चीज और करवाएंगे इस करंट अफेयर्स को। मैं आपको क्या कराऊंगा, एक 150 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन का एक कंप्लीट क्वेश्चन का एक ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिसमें सिर्फ एक सिंगल वीडियो ही होगा करंट अफेयर्स का। इसको करके आपको इसके अलावा और क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आपका साल भर का होगा, ठीक है, साल भर का होगा। और ज्यादा जरूरत लगेगी तो इन क्वेश्चन को हम बढ़ा भी देंगे इसमें, ठीक है, 200 प्लस कर लेंगे। वो क्वेश्चन की लेवल को देख के समझ में आ जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे इसमें अभी और क्या कराएंगे आपको, करंट अफेयर्स का एक साल का प्रैक्टिस अभी आपको कराने वाले हैं इन 14 डेज में हम। दूसरा हम कराएंगे आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस। इन्वायरमेंटल स्टडीज में क्या पढ़ाएंगे, अभी दो प्रैक्टिस सेट हमने आपको करवाए हैं ईवीएस के, ठीक है। तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कल मिलेगा। और इसके अलावा ईवीएस के अभी हम जो है टॉप 200 क्वेश्चन का एक सिंगल प्रैक्टिस सेट देंगे। साथ ही ईवीएस की आप उसको मैराथन क्लास बोलिए, कंप्लीट ईवीएस, जिसे हम मास्टर वीडियो के नाम से जानते हैं, ईवीएस की थ्योरी की मास्टर वीडियो आपको मिलने वाली है अब, ठीक है। ये 1 से 2 दिन में ये अवेलेबल हो जाएगी आपको, जिसमें एक ही बार में आप पूरा का पूरा ईवीएस पढ़ डालेंगे। और ये ईवीएस जो है, ये आपका जो यूपीटीईटी है, यूपीटीईटी प्लस जूनियर प्लस आपका प्राइमरी, इन तीनों में वर्क करेगा। आप मैच करके देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन वैसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। ईवीएस के अलावा अभी आपके पास बचती है हिस्ट्री। हिस्ट्री में
हिस्ट्री में आपको जो हिस्ट्री के तीन सेक्शन बचते हैं, तीनों सेक्शन को हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों को भी हम एक इनके तीन वीडियो ले लेंगे या तीन वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे इतिहास को, क्योंकि एक में रख लेंगे कंप्लीट प्राचीन, दूसरे में रख लेंगे कंप्लीट मध्यकालीन, तीसरे में रख लेंगे हम कंप्लीट आधुनिक भारत। इनको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, तो यानी आप कह सकते हैं मास्टर वीडियो आपको हिस्ट्री की भी मिलेगी, साथ में ईवीएस की मिलेगी, और अब इकोनॉमिक्स के लिए हमने आपसे कहा था इकोनॉमिक्स की भी आपको मास्टर वीडियो मिलेगी, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस की भी मिलेगी आपको ये क्लास, और यही थ्योरी की भी क्लास अभी करवाने वाले हैं, अभी कल से ही करवाएंगे इसको, साथ ही करंट अफेयर्स, ये तीनों विषय हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा और जो विषय हैं, ज्योग्राफी, भूगोल, जो भूगोल है, भूगोल में हमने आपको 10 से 11 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अभी, जो बाकी टॉपिक्स आपके बचते हैं भूगोल के उनके प्रैक्टिस सेट ऐड करवा देंगे अलग से, ठीक है? चैप्टर वाइज जैसे आ रहे थे वो मतलब अपने टॉपिक्स के साथ कंप्लीट होगी ये सीरीज। इसके अलावा भूगोल की एक इसके अलावा भूगोल की एक 200 प्लस क्वेश्चंस, 200 प्लस क्वेश्चंस का एक अलग से सेपरेट प्रैक्टिस सेट रहेगा, एक वीडियो रहेगी, उसमें आप आंकना की जो हम उसमें आप आंकेंगे कि हम बहुत अच्छे ही क्वेश्चंस उसमें रखेंगे भूगोल की इस सीरीज में, ठीक है? ये हो गया यहाँ तक। और राजनीति, या आप इसको कह लीजिए पॉलिटी या संविधान, ठीक है? पॉलिटी की हम जो है इसको भी कर सकते हैं अगर आप कहेंगे, तो इसकी भी हम थ्योरी क्लास एक एक ही वीडियो में करवा देंगे कंप्लीट पूरा संविधान, जितने भी ये विषय दिए हुए हैं आपके, जितने भी विषय आपके दिए हुए हैं जीएस में 50 मार्क्स में, ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है? जीएस में 50 मार्क्स में, और जिनके पास एसएसटी था, ठीक है, जिनके पास एसएसटी था उनके लिए ये 50 में भी काम करेगा और 100 मार्क्स वाले सेक्शन में भी काम करेगा, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा हम बात करेंगे, एक सेक्शन और बचता है आपका यूपी का, यूपी जीके का, ठीक है? यूपी जीके को भी कराएंगे हम, इसमें थ्योरी क्लास में हम 2 से 3 टॉपिक को ही कवर करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो यूपी की जो हिस्ट्री है, यूपी का जो इतिहास रहा है भारत के इतिहास में ये, और यूपी का जो आर्ट एंड कल्चर है, यूपी का स्पेशल जो आर्ट एंड कल्चर है ना, इस पर प्रश्न बनता है आपसे, ठीक? और तीसरा बनेगा यूपी के करंट अफेयर्स पर, यूपी के करंट अफेयर्स का वीडियो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, जिसमें सिंपली हमारे साल 2021 में यूपी में जो घटनाक्रम हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है? यूपी के करंट अफेयर्स में। तो ये इतने वीडियोस, इतनी प्रैक्टिस आपको इन 14 डेज में मैं आपको कराने वाला हूँ। लाइव क्लासेस की चिंता आप मत करिए कि लाइव आकर ही पढ़ाया जाएगा इसको, ठीक है? लाइव में फिर सिर्फ इतना होगा आपसे इंटरेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी प्रॉपरली अगर चीजें मुझे डिलीवर करनी है तो मैं इस माध्यम से या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको जो मिल रही है वो तो एज इट इज मिलती रहेंगी। यहाँ मेरा सामने आना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है कंटेंट आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है? उसको फोकस करिए, वो किस तरह से आपको मिल रहा है उसी को एक्सेप्ट करिए, ठीक है? बीच बीच में तो मैं आपको आता रहूंगा, इस तरह की वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, और कुछ दिन बाद हो सकता है कि यहाँ से लाइव सेशन भी, जिस तरह से अभी आपको इतने अच्छे रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ये फेस रिकॉर्डेड सेशन, इतने ही अच्छे मैं चाहता हूँ कि वो लाइव सेशन भी हमारे आगे कंटिन्यू हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त और लेंगे। इस भर्ती परीक्षा में मैं आपको जितना हो सकता है वो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा देना चाहता हूँ, और बाकी जो आपकी यूपी टेट की क्लासेस हैं आप इनको यूपी टेट जो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो जो मास्टर वीडियोज होंगी उनको आप यूपी टेट के लिए भी मानिएगा, ठीक है? कभी आपको अलग नाम से मुझे पढ़ाना पड़े तो अभी इनको रेफरेंस बना लीजिएगा, ये आपको समझ में आ जाएंगी। और जब यूपी टेट के लिए भी क्लासेस शुरू करेंगे, एक ही क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे, वहां से अच्छे से पढ़ेंगे, थ्योरी क्लासेस ऐसे ही होंगी, और इस बार मैं यहाँ जैसे अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ, तो सामने से ही पढ़ाएंगे उन क्लासेस को हम, ठीक है? थ्योरी क्लासेस को। तो चलिए इसका वेट करते हैं, बाकी अभी और चीजें बता देता हूँ मैं आपको कुछ इसमें। देखिए तैयारी आपकी जितना भी है कर चुके होंगे आप लोग, अभी कोई भी आप क्या करेंगे, आप क्या करिए, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, एक या दो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का हो सकता है, यूथ कॉम्पिटिशन का हो सकता है, यूथ का ले सकते हैं, कुछ चाहें तो घटना चक्र के हो सकते हैं, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और एक प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवाइज करिए, उसके प्रश्नों को 3 से 4 बार रिवाइज करिए, ठीक है? जो भी उठा रहे हैं, ठीक, खुद से प्रैक्टिस करिए, इसके क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इस वक्त आप यही करेंगे। दूसरा, जो आपको नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर जो भी नोट्स आपको अवेलेबल हैं उन नोट्स से तैयारी कर लीजिए, जितने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, जितना करंट अफेयर्स करवाया है उन सभी को पढ़ लीजिए। मोर देन सफिशियंट आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, बात है आपकी पढ़ने की,
देखो सिलेक्शन तभी होता है जब आप लोग तैयार होते हैं। आप 10 कोच या 10 टीचर अपने लिए आप लगा लो, ठीक है, 10 टीचर भी लगा लो आप अपने ऊपर। सिलेक्शन तभी होगा जब आप तैयार होंगे, जब आप चाहेंगे, जब आप बिल्कुल तैयारी करना शुरू करेंगे, तैयारी कर चुके होंगे। आपने तैयारी नहीं किया, 10 जगह से पढ़ रहे हैं, कुछ हाथ नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। तो एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप आई थिंक, मुझे लगता है सभी के अंदर होगी, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर सब लोग सजग हैं। और यूपी में भी और कोई परीक्षा इससे पहले या काफी दिन हो गए हैं कोई परीक्षा दिख नहीं रही है, लेकिन अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात चल रही है कि हो सकता है जनवरी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिले। तो यूपी टेट को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है, तो यूपी टेट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इस तैयारी के बाद में 17 अक्टूबर तक तो आपकी ये तैयारी हम जूनियर की ही कराएंगे। यूपी टेट की क्लासेस भी तैयार हम जो है इसी के साथ कर लेंगे। जैसे ही आपकी जो ये जूनियर की परीक्षा होगी, साथ ही उसके साथ ही हम जो है पैरेलली भी कर सकते हैं कुछ कुछ क्लासेस, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे नहीं मेरे ख्याल से अगर यूपी टेट की क्लासेस अभी देना शुरू कर दिए, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि 17 अक्टूबर के बाद ही यूपी टेट की क्लासेस आपकी शुरू कराई जाए। तो आप जैसा बोलेंगे वैसा शुरू कर लेंगे, लेकिन अभी आप जो है जूनियर पर ही फोकस करिए, क्योंकि इस परीक्षा को मिस मत करिए जरा सा भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, काफी कुछ यहाँ पर हमने बातचीत कर ली है अभी। और बाकी कोई सुझाव अगर हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सेशंस लेते रहेंगे हम लोग। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।